हेलो टीनाशियस, वेल कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का प्रिपरेशन? वेल मौर्या एम्पायर में जो एक कौटिल्य नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे उनके बारे में कैसी चल रही प्रिपरेशन? वैसे पर के दिमाग आउट हो रहा है ना, तो चलिए आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कौटिल्य के रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो शॉर्ट होगा, क्रिप्स होगा और आपके एग्जाम के लिए एकदम तंदुरुस्त तैयारी होगी। कौटिल्य वैसे ये थे तक्षशिला के आचार्य, उनका असली नाम था विष्णुगुप्त। इनको चाणक्य के नाम से भी ये परिचित है इतिहास में। वेल ये मौर्य एम्पायर के टाइम से बिलोंग करते थे। आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो थे मौर्य एम्पायर के फाउंडर। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो लास्ट रूलर थे घननंद, उनको गद्दी से हटा के वो पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे थे। तो घननंद जब रूल कर रहे थे पाटलिपुत्र में, ठीक है, तो तब तक्षशिला के ये आचार्य मतलब चाणक्य जी उनके सभा में आए थे, लेकिन घननंद ने किसी वजह से उनका तिरस्कार कर दिया था। ये अपमान उनसे ना सहन हो सका, तभी उन्होंने सोचा कि घननंद को गद्दी से हटाना होगा, ठीक है। और उसके बाद घननंद के राजसभा में एक सभासद थे 25 वर्षीय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके उन्होंने घननंद को पाटलिपुत्र के सिंहासन से हटा दिया और इस तरह से मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिश हुआ और घननंद के जगह चंद्रगुप्त बन गए नए राजा। जब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तब उन्होंने चाणक्य को मीन्स कौटिल्य को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कौटिल्य ने अपने आयुकाल में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये जो लिटरेरी वर्क है इसमें 15 बुक्स है और 180 चैप्टर्स है। कहा जाता है कि इस बुक्स में मौर्य एम्पायर के पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने डिटेल्स में चर्चा की थी। इस बुक से हमें ये पता चलता है कि मौर्य एम्पायर शासन व्यवस्था में एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था। उस गुप्तचर विभाग में जो ऑफिसर्स काम करते थे उनको गुण पुरुष कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो लिटरेरी वर्क है अर्थशास्त्र, इसका मेन थीम तीन हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे इसमें रूलर्स का क्या रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियरी सिस्टम कैसा होगा, सिविल कैसा होगा, युद्ध नीति कैसा होगा, कूटनीति कैसा होगा, मतलब राजनीति के बारे में हर एक पहलू पे उन्होंने चर्चा की है। वैसे तो ये जो अर्थशास्त्र है ये 12th सेंचुरी में मतलब प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है ना। 12th सेंचुरी के बाद ये कहीं खो गया था, मतलब मिल नहीं रहा था कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र। फिर आगे जाके 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने इनका मतलब फिर से इसका मतलब पुनरुत्थान किया है, ठीक है, खोज करने के बाद ये मिला है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य एम्पायर टाइम पर ट्रेडर्स मतलब ट्रेड्स कैसा था, मार्केट सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा होता था, इन सभी कुछ बारे में जानकारी मिलती है। वैसे चाणक्य को मतलब कौटिल्य को इंडिया का मैकावेली भी कहा जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड टू कौटिल्य। थैंक यू। We'll be right back.